Hello friends, and very warm welcome to Chiki's Biology, another video. In this video today we will discuss about how to become a food safety officer. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि हम लोग कैसे एक फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं. तो आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट रहे, क्योंकि आज हम लोग जो हैं इन डिटेल बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या आप लोगों को पावर्स जो हैं मिलती हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद, या क्या क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन कौन से एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, जिन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आप एक फूड सेफ्टी ऑफिसर या एक फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं. फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड इंस्पेक्टर एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो स्टार्ट करते हैं. आप लोग जो है थ्री वे के थ्रू जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी के थ्रू जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं तो इसको फूड इंस्पेक्टर बोला जाता है. कई जगह पे फूड सेफ्टी ऑफिसर बोला जाता है, कई जगह पे फूड इंस्पेक्टर बोला जाता है. बट अगर आप यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं तो वहां पे आपको फूड इंस्पेक्टर बोला जाएगा. तो यूपीएससी आप लोग जानते हैं जो आईएएस को रिक्रूट, जिससे आप आईएएस बनते हैं. तो ये एग्जाम आप अगर क्वालिफाई करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए तो आप ये बन सकते हैं एक फूड सेफ्टी ऑफिसर. और यूपीएससी जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है, और इससे आप जो है फूड इंस्पेक्टर बनते हैं. और आपको जो अपॉइंट किया जाता है, जैसे आईएएस को जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है. अगर आप यूपीएससी के थ्रू एक फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद जो है ये एक ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब हो सकती है या होती है, और मेनली तो ये ग्रुप ए की ही जॉब होती है अगर आप यूपीएससी के थ्रू जाते हैं. तो इसके बाद जो है यहाँ पे आपको यूपीएससी के थ्रू अगर आप फूड इंस्पेक्टर बनते हैं तो यहाँ पे आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा. उसके बाद अगर आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो मेंस एग्जाम होगा आपका, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा. जैसे कि आईएएस एग्जाम्स, आईएएस का जैसे एग्जाम होता है उसी पैटर्न पे आपका जो है एग्जाम वहां पे होगा, सेम वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा. उसके बाद जो है अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा. तो ये एक वे है जिस वे के थ्रू या जिस एग्जाम के थ्रू आप एक फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी आपके लिए अगर आप यूपीएससी के थ्रू फूड इंस्पेक्टर में रिक्रूट होते हैं या इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं. उसके बाद जो है FSSAI के थ्रू आप बन सकते हैं, और ये जो है ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब होती है. आप इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है, इस एग्जाम के थ्रू आप जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, जिसको FSSAI जिसका नाम आपने सुना होगा ये कंडक्ट कराती है. और इसमें जो आप अपॉइंट होते हैं वो होते हैं कमिश्नर के थ्रू, फूड कमिश्नर के थ्रू आप अपॉइंटमेंट होते हैं. और ये जो FSSAI जो है ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और इसमें जो है इसमें सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, उसके बाद एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है. इसमें इंटरव्यू नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए. उसके बाद जो थर्ड वे है जिस वे के थ्रू आप एक फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं वो है स्टेट पीसीएस. स्टेट लेवल पे जो है पीसीएस के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कराती है, और इस एग्जाम के थ्रू भी आप जो है स्टेट लेवल पे एक फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, और ये एक ग्रुप बी की जॉब मानी जाती है. अगर आप FSSAI के थ्रू रिक्रूट होते हैं तो ये ग्रुप ए में आती है, और अगर आप यूपीएससी एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होते हैं एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर तो ये भी एक ग्रुप ए की जॉब है. बट अगर आप स्टेट पीसीएस के थ्रू रिक्रूट होते हैं तो ये ग्रुप बी की एक जॉब है. तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है. उसके बाद यहाँ पे जो आप अपॉइंट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, और जो गवर्नर होता है उसके थ्रू आप जो है यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, और गवर्नर ही आपसे ये जॉब छुड़वा सकता है, गवर्नर ही जो है आपको अपॉइंट करता है. तो ये आपको पता होना चाहिए. इसमें जो है अगर आप लोग स्टेट पीसीएस के थ्रू रिक्रूट होते हैं तो इसमें प्री एग्जाम होता है, इसमें मेंस एग्जाम होता है, इसमें इंटरव्यू होता है, सेम एज जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम होता है. तो इंटरव्यू अगर आप लोग क्वालिफाई कर देते हैं सो यू आर एलिजिबल फॉर
फाइनल जॉब, तो आपको फाइनल जॉब मिल जाती है। उसके बाद जो है कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्जाम्स दे सकते हैं, ये तीनों ही एग्जाम्स दे सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने बीएससी किया है या बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, या वेटनरी साइंस में, या बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, या आपने मास्टर डिग्री की है केमिस्ट्री में, मेडिकल में, या किसी इक्विवेलेंट स्ट्रीम में, तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तीनों एग्जाम्स को आप दे सकते हैं और किसी भी एक एग्जाम के थ्रू आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपका CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई है, आपका गेट एग्जाम क्वालिफाई है, या ICMR एग्जाम क्वालिफाई है, इन तीनों एग्जाम में से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई है, तो आपको ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा इन सभी एग्जाम्स को अगर आप देते हैं। उसके बाद जो मैंने अभी बताया यूपीएससी वाला एग्जाम, या आपका FSSAI वाला एग्जाम, या स्टेट PCS वाला एग्जाम, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में जिनका कोई भी इनमें से एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, लाइक जैसे कि CSIR नेट या गेट या फिर ICMR। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको वहां पे मिलेगा सिलेक्शन में। उसके बाद जो है सैलरी जो है इसकी 50,000 से लेके 60,000 के बीच में हो सकती है। जहां पे अगर स्टेट लेवल के एग्जाम के थ्रू आप रिक्रूट होते हैं तो सैलरी थोड़ी कम हो सकती है मे बी, और अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के थ्रू रिक्रूट होते हैं तो वहां पे सैलरी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। उसके बाद आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन कौन सी पावर्स आपको मिल जाएंगी। आपको जो पावर मिलेगी, आप जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं किसी भी फूड शॉप का, किसी भी फूड इंडस्ट्री का, या वहां पे उसको सील कर सकते हैं अगर वहां पे कुछ अनऑथराइज्ड काम हो रहा है फूड से रिलेटेड, या फिर आप जो है लाइसेंस रद्द कर सकते हैं किसी का, या लाइसेंस बना सकते हैं फूड का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी शॉप के लिए, और आप जो है किसी भी डेयरी में जाके आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अदर जितनी भी फूड से रिलेटेड जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बॉडीज हैं वहां पे जाके आप जो है काम कर सकते हैं, वहां पे जाके आप जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब होती है ये बड़ी अच्छी जॉब होती है और ये गवर्नमेंट जॉब होती है, तो आपको इसमें ट्राई जरूर करना चाहिए। और इस जॉब से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं हमेशा ही आप लोगों के सभी क्वेश्चंस का वहां पे आंसर करता हूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोग चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी मैं आप लोगों का ऐसी ही वीडियोस